हाँ जी अभी जी, मज़ेदार है, मज़ा आया। बहुत अच्छी अबू जान को बहुत पसंद आई है जी, चूड़ा फिश। अबू एंजॉय कर रहे हैं फिश जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जी 1.5 किलो चूड़ा फिश मार्केट से, और इसको मैं अच्छी तरह वाश करके, इसके नमक के साथ और लीमू के साथ वाश करके इसको अभी कट लगा रहा हूँ। सारे पीसेस के ऊपर भी मसाला लगाएंगे और इसको 24 घंटे के लिए रख देंगे। तो जो इसकी महसूस मछली की जो स्मेल होती है उसको दूर करने के लिए इसको मैंने ना नमक और लीमू के साथ इसको मैंने अच्छी तरह वाश किया। आधा घंटा इसको मैंने तकरीबन लीमू लगा कर रख दिया था, इसको फिर बाद में वाश किया। लेकिन अच्छी तरह जो है वो कट लग गए सबके। अब एक पाव से थोड़ा सा कम ही है ये जो ना मैंने लिया है, दही लिया है और तकरीबन 3-4 जो है ना चम्मच लिए हैं मैंने इसके लहसुन के, और ये जो ना सब्ज़ मिर्च है 1 चम्मच, और ये हल्दी है तकरीबन आधा चम्मच, और ये थोड़ा सा नमक डाला है। नमक ऑलरेडी इसको लगा हुआ था मछली को, इसलिए मैंने वो ज़्यादा नहीं डाला। और ये सुरख मिर्च है, और ये जो ना वो बारीक नहीं है दूसरी है, और ये गर्म मसाला, इसमें अजवाइन भी है, और ये सारे जितने भी गरम मसाले में होते हैं यानी कि वो इसमें डाले हुए हैं। और इसके बाद जो ना हम डालेंगे इसमें जी ब्लैक पेपर, काली मिर्च डालेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और बाद में इसको जो ना वो मैरिनेशन के लिए फ्रिज के निचले हिस्से में रख देंगे। तो 24 घंटे के बाद जब अच्छी तरह मसाला जो ना वो फ़िश के अंदर जो ना वो मैरिनेट हो जाएगा, तो इसको बेशक आप ग्रिल कर लें या फिर इसको फ्राई कर लें। तो देखते हैं अभी जो ना वो इसको क्या करते हैं, अगर तो टाइम हुआ तो इसको जो ना वो ग्रिल कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर जो ना इसको फ्राई कर लेंगे जो ना मस्टर्ड ऑयल में। आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, शुक्रिया। अभी इसको जो ना लगाएंगे हम मसाला, एक एक पीस को अच्छी तरह मसाला लगाएंगे हम, और इसके बाद जो है ना इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए हम फ्रिज के निचले हिस्से में रख देंगे, और इसको हम फिर करेंगे फ्राई जो है ना मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों के तेल में जो ना वैसे भी ये सरसों का तेल शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और जो ना हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है। आप भी किचन में ये इस्तेमाल किया करें। ले जी जो ना फ्राई पैन में डाल दिया हमने जो ना मस्टर्ड ऑयल, इसको अच्छी तरह हमने गर्म कर लिया, और गर्म करने के बाद जब फुल फ्लेम पे हमने इसको गर्म कर लिया, अब इसको बारी बारी जो ना 2-3 पीसेस में हम पहले डालेंगे। तो ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये अब बबल से चेक कर सकते हैं कि कितना गर्म जो ना वो ऑयल था। ये दूसरे पीस आ गया, तो तकरीबन 3 पीसेस की इसमें गुंजाइश थी, तो इसमें हमने डाले हैं जी 3 पीसेस। ले जी तीसरा पीस भी आ गया, और इसको हम करेंगे तकरीबन एक साइड से हम इसको पकाएंगे तकरीबन मैक्सिमम 3 से 4 मिनट, ठीक है जी।
इसको फिर हम बारी बारी पलटेंगे और चेक करेंगे। एक साइड ने तकरीबन जो ना वो इसमें लिए थे तकरीबन 5 मिनट, ठीक है जी। और मैरिनेशन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी, मसाले बड़ी अच्छी तरह इसमें जज़ब हो गए थे। ये लें जी, हमने इसको साइड चेंज कर लिया, इसको अच्छी तरह दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो फ्लेम यहाँ पे ना मैंने मीडियम कर दिया, फुल करके फिर इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई किया। लो भी। लो जी कंडे भी है। इनको मैंने फ़िश दी है माशाल्लाह, बड़ा उनको बड़ी पसंद आई है चूड़ा फ़िश। वो कहते हैं मैंने फ़र्स्ट टाइम चूड़ा फ़िश खाई है, पहले दूसरी जो जितनी भी किस्म की फ़िश है वो तकरीबन उन्होंने खाई हुई है। ये आमना बीबी के लिए जो फ़िश माशाल्लाह, इसको भी बड़ी पसंद है। और ये जो बाकी जो पीसेज हैं वो हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये साइड चेंज कर लिया। तो आप भी घर पर जो ना ये ट्राई लाजमी कीजिएगा चूड़ा फ़िश, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त ज़ायका है, मुनफरद ज़ायका है इसका, और लाजमी ट्राई कीजिएगा आप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।